हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज है हमारे पास MT-15 वर्जन 2, 2022 वाला फेस लिफ्टेड वर्जन है ये। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको गोल्डन कलर के बढ़िया USD फॉक्स मिलेंगे, जिससे आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। एंड उसके बाद इसमें जो इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है उसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आई है, लेकिन मैं कहूँगा ओवरऑल ये यूज़लेस ही है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। कॉल और मैसेज का अलर्ट्स आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा अभी भी इसमें रियर में ABS नहीं आता है, सो इसमें अभी सिंगल चैनल ABS ही है। एंड बस दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको सब कुछ इसके बारे में पहले से पता ही होगा, फ्रंट में ABS आता है, 110 सेक्शन का फ्रंट में टायर है, 140 सेक्शन का पीछे है। एंड इसकी छोटी सी सीट होती है और सामने ये सुंदर सी दो लाइटें, जो भाई काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लगती हैं ये। और ऑन करने के बाद ये सिंगल प्रोजेक्टर है। आप इस सिंगल प्रोजेक्टर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि इसकी बहुत ही ख़तरनाक रात को थ्रो देता है ये। अभी मैं आपको स्टार्ट करके और लाइट भी दिखा देता हूँ। खैर, वो तो किसी और वीडियो में रात को आपको इसका मैं थ्रो दिखाऊंगा। 18.4 PS की पावर और 14.1 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। BS6 में आ गए, ये पावर कम हो गई है। इनिशियली जब MT-15 लॉन्च हुई थी तो इसमें 19.3 PS की पावर आपको मिलती थी। पावर तो इसमें है भाई, बाकी सब बकवास है। सो एनीवे, 18.4 या 3 PS की पावर है और 14.1 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, विच इज़ गुड फॉर 150 cc। आई थिंक इट्स ब्रिलियंट फॉर 150 cc, लेकिन वही है, दो जनों के बैठने के बाद जब पीछे पिलियन होता है तो पावर थोड़ी कम लगती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो वैल्यू फॉर मनी है, अगर हम इसको R15 से कंपैरिजन करें, उससे ये कम से कम भी 20,000 रुपये सस्ती है। बट 20,000 रुपये इसके ऊपर और लगाए तो आप ड्यूक 200 ले सकते हैं, जिसमें 25 PS की पावर मिलती है। सो दैट्स द थिंग। बट इसमें यामा की रिलायबिलिटी भी है और स्मूथनेस भी है। सो आइए अब इसको चला के देखते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आप इसे लेने में कंसीडर करते हैं तो कैसी आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है सिंगल राइडर में। और इसका हम अभी एक्सेलेरेशन करेंगे और टॉप स्पीड करने का भी ट्राई करेंगे, क्योंकि हम हाईवे पे हैं। सो लेट्स गो। सो देखते हैं गाइस कैसी परफॉर्मेंस इसकी, थोड़ा भगा के देखेंगे, एक्सेलेरेशन और टॉप स्पीड भी देखेंगे। So this is 2022 MT-15 version 2. Let's go. So देखते हैं 0-100 कितने टाइम में करती है। आई होप 0-100 टाइम आ गया होगा। वैसे तो लॉन्च ख़राब सा ही था, एक बार दोबारा लॉन्च करेंगे। इसमें व्हीली पॉप हो गई थी। सो हाँ, नेकेड बाइक है तो पावर तो है। यामा R15 में ऐसा नहीं होता है व्हीली वगैरह कुछ खास, क्योंकि उसका सारा वेट आगे की तरफ होता है। सो ये स्ट्रीट बाइक है तो इक्वली बैलेंस इसमें वेट होता है। सो लेट्स सी दोबारा करने पर कितनी टाइमिंग्स आती हैं।
परफेक्ट शिफ्ट्स। तो अभी हमने टच किया 130, आई थिंक ये 132-133 कर लेगी। मेरा वेट 85 केजीज़ के आसपास है, तो उससे थोड़ा टॉप स्पीड में इफेक्ट पड़ सकता है। सो आप मैक्सिमम इसको 135 मानिए, उससे ऊपर MT-15 जाती भी नहीं है, BS-4 जाती है अगर जाती है तो। सबसे बड़ी कमी मुझे इसमें लगती है कि इसमें अभी भी रियर चैनल ABS नहीं दिया है। सो आई थिंक आज के टाइम पे नेसेसिटी है कि इतनी महंगी बाइक लेने के बाद भी एटलीस्ट ड्यूअल चैनल ABS तो आपको मिलना ही चाहिए। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह के बगैर काम चल जाता है, लेकिन पीछे का ABS होना बहुत ज़रूरी है। आजकल नए राइडर्स होते हैं तो उनका इतना कंट्रोल नहीं रहता ब्रेकिंग पे, तो वो स्किट हो जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो आई थिंक ड्यूल चैनल ABS इज़ अ नेसेसिटी, बाकी मैन्युफैक्चरर की मर्ज़ी है। अगर वो क्रिएटर्स की, इनकी राइडर्स की सुनते हैं तो इस पर थोड़ा काम करें। बाकी 128-129 हमने टच की थी, इतना ही है इसका टॉप स्पीड। एक लास्ट बार और ट्राई करते हैं एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड। परफेक्ट लॉन्च, परफेक्ट शिफ्ट्स, मिस हो गया। तो भाई हमने 134 टच किया, आई थिंक लाइट वेट होता राइडर तो 135-136 चली जाती है। वो थोड़ा इंक्लाइन, थोड़ा डिक्लाइन था तो वहाँ पे इसने 134 कर लिया, वैसे 130 पे ही ये अटक जाती। सो कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम इसकी ट्रैक रेस वगैरह भी करेंगे और राइड्स वगैरह भी इस पर होंगी। और अगली वीडियोज़ तक के लिए बाय बाय।